हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक करना। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक किया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, मैंने आपको ये बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना। अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करना। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए मैं डिजिटल मल्टीमीटर का ही यूज कर रहा हूँ कि इसे कैसे चेक करना है। तो आज हम इसे थ्योरी वाइज देखेंगे पहले कि पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर हमारे पास है मोबाइल फोन में तो उसे कैसे चेक करना है, उसका मेथड हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पीएनपी मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एनपीएन का मतलब था नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट एक जैसे ही चेक होते हैं, बट ये जो कंफ्यूजन है कि पीएनपी कैसे चेक करना होता है और एनपीएन कैसे चेक करना होता है, तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे, ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है। तो चलो हम देखते हैं इसे कि इसे हम सीखते हैं कि कैसे चेक करेंगे हम। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पहले बना दिया है। अभी देखो, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों एक ही मेथड से चेक होगा, दोनों सेम तरीके से चेक होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे हमने देखा था कि जो पीएनपी होता है, एनपीएन होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे समझो कैरेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए, तो चेकिंग मेथड सेम रहेगा। जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे ही चेक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, जैसे हमने उस पर चेक किया था, हमने दो टाइप पे चेक किया था, पहले बेस टू इमीटर चेक किया था, तो यहाँ पे भी हम बेस टू इमीटर ही चेक करने जा रहे हैं। जैसे मैंने उस टाइम में लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैसा होगा, जैसे ओके कंडीशन में यहाँ पे हमें दोनों साइड चेक करना है मीटर को, हमें कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखना है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे। और उस टाइम पे इस बार हम क्या करेंगे, बेस टू इमीटर लगाएंगे। बेस टू इमीटर लगाने पे पॉजिटिव प्रोब बेस पे और इमीटर पे ब्लैक प्रोब लगाएंगे, जब भी हम तभी यहाँ पे मीटर में वही सेम रीडिंग आएगी 400 to 800 ohm के बीच में रीडिंग आएगी। ये वन साइड होगा, ये वन साइड आपको अगर बेस टू इमीटर 400 टू 800 ओम्स की रीडिंग्स आ रही है, यानी आपका ये ट्रांजिस्टर ओके है। बस देखिए फर्क क्या था, लास्ट टाइम जो था हमारा पॉजिटिव यहां था, नेगेटिव यहां था, ये दोनों नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव था। हम बेस टू इमीटर उस टाइम पे भी चेक कर रहे थे, इस टाइम पे हम बेस टू इमीटर चेक करेंगे और बेस टू कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। तो यानी बस फर्क क्या हो गया कि पॉजिटिव टाइम में यहां पर था और नेगेटिव ये दोनों थे, अभी ये दोनों पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव हो गया। तो इस सेम मेथड सेम है दोनों का, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये अलग बताया है आपको कि पीएनपी और एनपीएन कैसे चेक करना है। यानी आप समझ लो कि आपको दोनों का चेकिंग मेथड ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ओके कंडीशंस में मैं बता दी, मैंने बताया जैसे यहाँ पे 400 टू 800 ओम्स की रीडिंग्स आएगी वन साइड, शॉर्ट कंडीशन में बीप साउंड आएगा, बीप आया तो आपका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट है, हमें बेस टू इमीटर चेक करना है। बेस टू इमीटर हम इस पर चेक कर रहे हैं, इसमें हम बेस टू इमीटर चेक करेंगे। ओपन कंडीशन में तो वन लिखा आता है मीटर में, यानी कोई रीडिंग नहीं आती। अगर आपको मीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है, हमें दोनों साइड चेक करना है, अगर दोनों साइड में कोई रीडिंग्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमारा बेस टू इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर ओपन हो चुका है। अगर शॉर्ट कंडीशन में अगर बीप आ रहा है तो हमें समझना है कि हमारा बेस टू इमीटर ये शॉर्ट हो चुका है। देखिए अगर ओके कंडीशन होगा तो हमें पहले बेस टू इमीटर चेक करना है, उसके बाद बेस टू कैरेक्टर चेक करना है। अगर दोनों साइड में अगर दोनों बार सही दिखा रहा है, बेस टू इमीटर भी सही आ रहा है और बेस टू कैरेक्टर भी सही आ रहा है, उस कंडीशन में हमारा ये ट्रांजिस्टर ओके होगा। तो चलो हम आगे भी देख लेते हैं। अभी हमने बेस टू इमीटर चेक किया था, अभी हम इसमें देखते हैं, ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर आगे का मैं दिखा रहा हूं उसमें। अभी हमें बेस टू कैरेक्टर चेक करना है, इसमें मैं बता लिख देता हूं यहाँ पे बेस टू कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे बेस टू कैरेक्टर चेक करने में वही सेम है, वही सेम होगा, इसमें वन साइड इसमें भी, जैसे मैं पहले रेड प्रोब यहाँ पे लगाता हूँ, ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगाता हूँ, तो डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स नहीं आती। अगर मैं प्रोब चेंज करता हूँ तो उस टाइम पे डिस्प्ले पे 400 ओम टू
800 ओम की रीडिंग्स आएगी, यानी वन साइड वन साइड 400 टू 800 ओम्स की रीडिंग्स आती है, और बेस टू शॉर्ट कंडीशन में बीप साउंड वही सेम जैसा पहले था, और ओपन कंडीशन में ये मीटर में कुछ नहीं आएगा। ये हम बेस टू कलेक्टर चेक कर रहे हैं अभी। बेस टू कलेक्टर चेक करने में मेथड सबका सेम है, बस आपको ये जानना है कि देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिया कोई भी ट्रांजिस्टर होता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, आपको ये पता लगाना होता है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है। तो आपको पता है कि पीएनपी मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इसमें दो पिन पॉजिटिव है एक पिन नेगेटिव है। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको बस यही देखना है, जैसे हम शॉर्ट चेक करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो कनेक्शंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो शॉर्ट चेक करने का तरीका एक ही है। अगर आपको वन साइड रीडिंग्स मिल रही है तो इसका मतलब आपका वो कनेक्शन शॉर्ट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन। अगर आपको बीप साउंड आ रहा है तो फुल शॉर्ट हो सकता है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ओपन है। तो आप हमेशा याद रखें, तो इसमें दो डायोड यूज हुआ है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा और एक पॉजिटिव मिलेगा, मतलब इसमें तीन पिन होंगे, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो आप हमेशा याद रखें एनपीएन में दो नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो आपको बस फर्क यही है, हमें चेकिंग मेथड ऑलमोस्ट दोनों सेम जैसा है, तो इसे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिस्टर हम देखेंगे पीसीबी पे और चेक करेंगे कि ये कैसे इसे चेक करना है। तो मैं आपको दोनों ट्रांजिस्टर चेक करके एक ही वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे चेक करना है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।